गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस। सो लाइंस क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो लाइंस में हमें देखनी है, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे बेसिक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि इसी से सारी ड्राइंग बनानी है। जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि बेसिस, बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज लाइंस, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बेसिस है, जिस बेसिस पे, जिसके थ्रू हम सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं, वो लाइंस ही होता है ना। हम लाइंस से ही सारा कुछ बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपने देखा भी होगा, जो भी अभी तक आपने बुक्स में या कहीं भी, या मैंने भी जो अभी तक पढ़ा है, तो आपने देखा कि ड्राइंग जो है, मैंने बताया भी था पहले लेक्चर्स में, बेसिक्स में, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई भी आदमी बना सकता है। इसके लिए, जैसे जो हमने बताया था कि आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है, आपका जो हैंड होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए आर्टिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आप बहुत स्किल्ड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इसकी सारी टेक्निकलिटीज़ पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो यू कैन ड्रॉ अ गुड ड्राइंग, गुड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। आप अच्छी इंजीनियरिंग ड्राइंग बना सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं, सारे नियम का, क्योंकि ये स्केल से ड्रॉ होता है, और स्केल से हम लाइंस ही ड्रॉ करते हैं बेसिकली, ठीक है। और कर्व्स के लिए भी हमारे पास फ्रेंच कर्व्स है। तो जो सबसे बेसिक है वो है लाइन, ठीक है, सबसे बेसिक, इसी से सारा कुछ डिफाइन होता है। तो लाइंस ही बेसिस है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही बेसिस है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब होता क्या है कि ईच लाइन इन ड्राइंग, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन ईडी लिख देते हैं शॉर्ट में, इन ईडी हैज स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज होता है उनका, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज एंड मीनिंग, ठीक है। हर लाइन जो भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आप जिस भी तरह की लाइंस आप देखेंगे, जो हम आज डिस्कस करेंगे सारी, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा जो लाइन, और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा। पर्पस कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं, है ना, उनका कुछ काम है, वो पर्टिकुलर काम ही हमें वहाँ दिखाना है उस पार्ट में, तो हम वो वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। मीनिंग होगा उस लाइन का, वो लाइन क्यों बनाई गई, वही लाइन क्यों रखी गई। डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है भाई, फर्केट करना भी जरूरी है ना, कि कौन सी उसमें क्या लाइन है, ठीक है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड लाइंस हैं, सो सम स्टैंडर्ड लाइंस प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। अब भाई आप प्रिस्क्राइब्ड बाई, स्टैंडर्ड लाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाई BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भाई ड्राइंग में जितनी भी सारी चीज़ें हम इसी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो BIS ने कुछ लाइन प्रिस्क्राइब्ड की हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड लाइंस प्रिस्क्राइब्ड की हैं विद देयर टाइप एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है ना, विद देयर टाइप एंड एप्लीकेशन एंड जनरल एप्लीकेशन। तो हमें यही सारी बातें करनी है, कौन कौन सी लाइन BIS ने हमें प्रिस्क्राइब की हैं, उनका क्या, किस तरह की हैं वो, और उसका जनरल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ उस लाइन का यूज़ होगा, किस लाइन का यूज़ कहाँ पे ड्राइंग में करना है, ड्राइंग के किस पार्ट को किस लाइन से ड्रॉ करना है, कैसे वो लाइन ड्रॉ होगी, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल में इसमें बहुत मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको बहुत बारीकी से आपको समझना है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात ये होती है कि
जो BIS भी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो वो जो बाइफर्केशन होता है, जो भी उनमें जो हम टाइप्स आगे पढ़ेंगे, तो द लाइंस डिफर फ्रॉम ईच अदर. द लाइन डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय टू एस्पेक्ट्स. दो एस्पेक्ट्स हैं उसके, जिसके आधार पे लाइंस का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, विभाजन हुआ है, ठीक है, BIS ने जो दिया है. तो उसका जो बेसिस है, जो एक्सपेक्ट है, वो दो है, ठीक है. पहला जो है वो है उसका, उसको थिकनेस कहा जाता है, वेट कहा जाता है, ठीक है. पहला जो है देयर, अकॉर्डिंग टू देयर लिख दीजिए पूरा, वरना आप कहेंगे कि क्या है. अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस, क्लियर, थिकनेस और वेट. अब लाइन के वेट का क्या मतलब होता है और थिकनेस का क्या मतलब होता है, मतलब कि आपको कितनी मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, उसका थिकनेस, लाइन की थिकनेस जैसे क्या है, देखिए आपको थिकनेस वेरी कैसे करेगा. जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस है, आपको डार्क दिख रही है, एक लाइन ये हो सकती है, ठीक है, एक लाइन ये हो सकती है, ठीक. सबकी थिकनेस अलग अलग है, और थिकनेस बढ़ा देते हैं डिफरेंशिएशन के लिए कि आपको अलग महसूस हो. देखिए ये लाइन थोड़ी ज़्यादा थिकर है, ये उससे कम है, ये और कम है, ठीक है, और भी कम हम बना सकते हैं. तो क्या बोलेंगे, थिन लाइन, ये बिल्कुल पतली है, ध्यान दीजिए, देख रहे हैं. तो ये थिकनेस कहता है, वेट भी इसी को कहा जाता है कि कितना उसका थिकनेस से ही लिया गया है वेट को, कितना भारीपन है लाइन में, ठीक है. तो पहला जो डिफरेंशिएशन अगर वो होता है, और ये देखिए ये अच्छी बात ये है कि ये थिकनेस मतलब ये विजिबिलिटी से ही बता देंगे. ड्राइंग में थिकर लाइन बनी होगी तो आप देख के बता देंगे कि हाँ ये थिक लाइन है और इसका ये पर्पज है, ठीक है, और आप विजिबली ही उसको बाइफर्केट करेंगे. तो पहली चीज तो है कि वो अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस और वेट. तो इसमें क्या आता है, थिक लाइंस आती हैं, ठीक है, थिक लाइंस, मीडियम लाइंस, ठीक है, बहुत कमी यूज होता है ये, और थिन लाइंस. थिक और थिन सबसे ज्यादा यूज होती है मीडियम स्पेशल केसेस में, जहां बिल्कुल अलग चीजें हमें दिखानी है, ठीक है. तो थिक लाइन जो काफी मोटी होगी, मीडियम, देन थिन, ठीक है. इनका रेशियो भी BIS डिफाइन करता है, ठीक है. रेशियो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है थिक और थिन और ऐसे, मतलब थिन से डेढ़ गुना आपका मीडियम होगी, और उसके और थिन से अगर कंपैरिजन करेंगे तो तीन गुना आपकी थिक होगी, ठीक है. इसको कई जगहों पे नॉर्मल केसेस में कि 1.5 इसको डेढ़ गुना कैसे करेंगे, इसलिए 3:2:1 भी कहा जाता है. अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने थिन लाइन को 1 mm लिया है, मान लिया थिन लाइन को अगर 1 mm लिया है, तो मीडियम लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो उसकी थिकनेस की बात हो रही है. ध्यान रखिएगा ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस ये है. तो अगर इसको थिक लाइन हम कहें तो ये जो है ये 3 mm मान लो, ठीक, ये थिकनेस है. लंबाई मत सोचने लगिएगा, थिकनेस मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है लाइन, कितना मोटी लाइन है. तो अगर थिन लाइन, थिन मतलब पतला, पतली लाइन अगर मान लिया जो आप यूज कर रहे हैं ड्राइंग में वो 1 mm है, तो जहां आप मीडियम लाइन ड्रॉ करेंगे वो 2 mm थिकनेस की होनी चाहिए, और जो थिक लाइन यूज करेंगे वो 3 mm. ये सही, ये फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. दूसरी चीज जो मिनिमम है, कभी कभी क्या होता है कि देखिए नॉर्मली जब आप जाएंगे, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है BIS ने जो डिफाइन किया है. अब आप बिल्कुल इस तरीके का ड्रॉ करने जाएंगे, और इवन जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी आप जिस भी कोर्स में हैं उसमें जब आप ड्रॉ करने जाते हैं, तो ये मेजरमेंट बहुत ज़्यादा आप नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट की नहीं, थिन लाइन 1 mm की है और ये 3 mm की,
भाई तब बहुत दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं कितने देर में एक ड्राइंग बन के आएगी। तो BIS ने ऐसा नहीं है, उसने ये स्टैंडर्ड बताया कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आपको स्केल से मेजर नहीं करना है कि स्केल लेके बैठे हैं कि 1 mm की थिकनेस है कि नहीं, वो पेंसिल्स और जो इंक हम यूज़ करते हैं उसके आधार पे उसी को हम ऐसा कर देते हैं। जैसे आप पेंसिल्स पेन भी यूज़ करते होंगे, है ना, पेंसिल्स भी यूज़ करते हैं, सबकी थिकनेस भी डिफाइन होती है, ठीक है। और हमने जब प्रीवियस क्लास में आपको बेसिक्स जब आपको ड्राइंग की बताई थी, तो उसमें हमने जब मटेरियल्स यूज़ बताया था तो उसमें बताया था कि पेंसिल जो होती है उसके साथ एक हमने सैंड पेपर की बात की थी। तो सैंड पेपर इसीलिए होता है कि थिकनेस पेंसिल की आप उस पर रब करके आप अपने हिसाब से मैं उसको बना लेते हैं, ठीक है। या तो स्टैंडर्ड कुछ पेंसिल्स होती हैं जिनको यूज़ करने से ऑलमोस्ट ये वेरिएशन आ जाता है, और जो मिनिमम थिकनेस वेरिएशन है, मिनिमम, ये भी BIS ने एक उसमें कह दिया कि भाई कोई जनरल ड्राइंग बनाने जाएगा जिसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉलरेंस वाली ड्राइंग नहीं है, तो वहाँ पे फिर भी आपको मिनिमम जो आपको थिक इज टू थिन, मिनिमम थिक इज टू थिन, ये जो रेशियो डिफाइन करना है ये 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने थिन लाइन 1 mm की बनाई है तो थिक जो है वो 2 mm से कम की नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको इतना तो फॉलो करना है, ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अच्छा क्राइटेरिया क्या है कि 3:1 होना चाहिए, थिक और थिन में 3:1 तीन गुना होनी चाहिए, बट 2:1 भी चलेगा क्योंकि आप मेजर नहीं कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये देख के चलेगा कि 2:1 तो रहे कम से कम आपकी ड्राइंग में, उससे कम ना हो, स्टैंडर्ड ये है। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप ये बनाएंगे, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसीजर्स में लिया जाता है कि भाई हाँ चलो हम 1.5 एग्जैक्टली मेजर करने में दिक्कत होगी तो हमने ये कर लिया, ठीक है ना। और ये वाला जो है आपका, ये स्टैंडर्ड है जो BIS ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, बट ये भी लेके चलते हैं, कोई गलत नहीं है। तो ये बताने के लिए और करने के लिए भी, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, वरना आप इतना तो मिनिमम रखिए बनाते समय, ठीक है। तो ये है कि हम लाइंस को ऐसे बाइफर्केट करते हैं, जो भी लाइंस डिफाइन की गई BIS से, जो डिफ्रेंशिएशन अलग अलग तरह की लाइन जैसे थिक मीडियम थिन बताई BIS ने, तो पहला जो आधार था उसका अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस और वेट, जो सेकेंड था अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर शेप और कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है लाइन को, या उस लाइन का शेप कैसा है, लाइन का शेप कैसा है, उसके आधार पे भी बाइफर्केशन किया गया। अब क्या था कि थिक मीडियम और थिन से ही सब कुछ, सारी ड्राइंग पूरी बना देना और सारी चीज़ें उसकी डिफाइन कर देना, ये पॉसिबल नहीं था, हमें और भी कई तरह की लाइंस चाहिए थी, तो ये हमने लाए शेप। तो हमने लाइन का थोड़ा शेप भी चेंज किया, कुछ स्पेशल शेप ऑफ लाइंस हम यूज़ करते हैं, जैसे जिगजैग लाइन हुआ, ठीक है ना, और डॉटेड लाइन हुआ, तो ये कुछ डिफरेंट शेप और कंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंस्ट्रक्शन करके, मतलब उसको बनाने का तरीका अलग है, है ना। डॉटेड लाइन आप देखते हैं ना, डॉटेड लाइन स्पेसिंग करके जो दी जाती है, चेन लाइंस होती हैं, तो इस तरह की लाइंस वो सिर्फ इसलिए आई कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा आएंगी आप ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे, है ना। जैसे आपने बताया कि भाई सेंट्रल लाइन, जैसे कोई भी आपका अभी आएगा वैसे धीरे धीरे, चलिए वो जब टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि शेप और कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, थिकनेस का, ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया थे आपके बाइफर्केशन के, ठीक है, स्टैंडर्ड, क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन कितने तरह की होती हैं, जिनका हम ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ लाइंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पे तो क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर थ्योरी एग्जाम हो रहा है तो टाइप्स ऑफ लाइंस भी आपसे पूछ सकता है, तो एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है, और उसके स्पेसिफिकेशंस भी साथ साथ में हम देखते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन की कैसे वो बनाई जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन हम फिर से दोबारा उसको एक टेबुलेट करके सीखेंगे, ठीक है, तो 1 by 1 हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहली जो इसमें हम लेते हैं उसको हम कहते हैं विजिबल आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, विजिबल आउटलाइन और
ऑब्जेक्ट लाइन। तो अब क्या है, ये कुछ नहीं होती, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, जैसे आप किसी का प्रोजेक्शन बना रहे हैं, उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, 2D भाई चार्ट पेपर पे ही बनाएंगे, आप शीट पे ही बनाएंगे, तो शीट पे जो मेन ऑब्जेक्ट का जो पेरिफेरी है बाहर का, ठीक है ना, उस वो साइजिंग जो एग्जैक्ट साइज जो डिफाइन होगी उसकी, वो जिस लाइन से बनाएंगे उसको हम विजिबल आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, इट इज यूज्ड, ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट विजिबल आउटलाइन, मतलब जो भी बॉडी की आउटलाइन है, विजिबल आउटलाइन और अदर विजिबल लाइंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजिबल आउटलाइन और अदर विजिबल फीचर्स, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे विजिबल आउटलाइन। नॉर्मली जो इसमें हम यूज करते हैं थिक लाइंस आर यूज्ड फॉर विजिबल लाइंस। विजिबल इसको इसलिए कहा जा रहा है, विजिबल या ऑब्जेक्ट लाइन इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट की ये पेरिफेरी बाहर की लाइन है। विजिबल इसलिए कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब अगर देखिए मैं जब आपसे बोलूंगा तो ध्यान रखिएगा आगे से ड्राइंग को समझने के लिए कि मैं इसको वर्टिकल प्लेन मानूंगा हमेशा इस बोर्ड को, और आप देख रहे हैं तो आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं हमेशा, आप जो सामने देख रहे होंगे वो मैं फ्रंट व्यू बोलूंगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं इस तरीके से, तो विजिबल का मतलब क्या, आपको सामने से कौन सी साइड्स दिख रही है, देखिए ये वाली, इसके पीछे क्या डिजाइन है वो आपको नहीं पता चला, या अगर ऐसे देखें मान लीजिए, तो जो सामने से आपको दिख रहा है वो ये आउटलाइन है इसकी, तो ये जो आउटलाइन जब आप डायग्राम में एज इट इज बनाएंगे तो ये बाहर वाली जो भी लाइन है ये इस थिक लाइन से बनाई जाएगी आउटलाइन। अब क्या है कि इसको विजिबल क्यों बोला गया, क्योंकि ये विजिबल जो आपको दिख रहा है, पीछे का तो आपको नहीं दिख रहा, बट कि पीछे क्या है देखिए, बिल्कुल डिजाइन अलग है, सामने से आपको अलग दिख रहा है, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो जो दिख रहा है आउटलाइन जिस प्रोजेक्शन में। अब अगर हम इसका बैक प्रोजेक्शन बनाएंगे, भाई बताया था ना हमने कि फ्रंट व्यू भी होता है और बैक व्यू भी होता है, तो बैक व्यू भी आप ले सकते हैं, तो बैक व्यू जब बनाएंगे तो बैक व्यू से विजिबल दूसरा कुछ होगा, फ्रंट व्यू से विजिबल लाइन दूसरी होगी, और विजिबल मतलब जो दिखाई दे रहा है जिसमें, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमें इसके सर्फेसेस, जैसे बीच में ये एक देखिए ये होल्डर में एक बना हुआ है ना, तो जब आप इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन बनेगा ना ऐसे कि हमें फ्रंट से भाई ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये आउटलाइन तो आपकी थिक लाइन मोटी लाइन से हो गई। बट ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम इसका ये बीच का नहीं बनाते हैं, ये भी कभी कभी बनाना होता है जब हम कोई और व्यू ज़्यादा नहीं बना रहे होते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, तो हम पीछे वाले उस लाइन का भी दिखाते हैं और उसको हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो इस डॉटेड लाइन जैसे ही आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये डॉटेड लाइन जो है ये विजिबल नहीं है, डॉटेड बनाने का मतलब ये विजिबल नहीं है क्योंकि ये डॉटेड बनाया गया, थिक नहीं है, मतलब ये सामने से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है डिज़ाइन है, सॉरी ये ऐसे नहीं बना होगा, उसकी कुछ चौड़ाई भी होगी ना, ठीक। तो ये पार्ट जो इसमें दिख रहा है ये सामने से नहीं दिखाई दे रहा, बस हम अपने नॉलेज से इसको बनाए हैं और बता रहे हैं कि ये हिडन लाइन से बना रहे हैं, क्योंकि ये पीछे हिडन है, इसको हिडन लाइन बोलते हैं, ये पीछे हिडन है, ये दिखाई नहीं दे रहा सामने से, वो आपने अपने नॉलेज से बना दिया है, क्योंकि आपने बैक व्यू भी देखा है तो आपने नॉलेज से बना दिया, दिखाने का तरीका है कि ये इसके पीछे है, इससे आप समझ जाएंगे ये सामने नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए इसको विजिबल लाइन बोला गया। और ये किससे बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आउटर सर्फेस हो थिक लाइन से, ठीक है, थिक लाइन से बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी है इसके बाद, उसको हम कोई भी ले लीजिए आपकी इच्छा, बहुत सारी लाइन है, हिडन ही ले लीजिए, चलिए हिडन लाइन, क्योंकि हिडन लाइन बता दिया गया, हिडन लाइन,
ठीक है। तो हिडन लाइन आपका कहां यूज किया जाता है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट हिडन पार्ट जो होगा, हिडन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी पार्ट का हिडन पार्ट है, ऑब्जेक्ट का जो हिडन पार्ट है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, उसको ड्रॉ करने के लिए जो लाइन हम यूज करते हैं उसको हम हिडन लाइन बोलते हैं। और इसको बनाने का तरीका है, इट इज अ थिन, ध्यान रखिएगा, थिन लाइन होती है ये, थिन डैश्ड विद इक्वल स्पेसिंग, है ना, इक्वल स्पेसिंग। मतलब ये थिन डैश लाइन्स होंगी, देखिए कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये मार्कर से यूज कर रहे हैं इसलिए आपको मोटा दिखाई दे रहा है, तो इससे घबराइएगा नहीं कि इतना मोटा, थिन लाइन ही होगी, पतली सी बिल्कुल। और आपको क्या देखना है इसमें कि मेन चीज क्या है, स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल होगी। मतलब आपको क्या इसमें ध्यान में क्या रखना है कि हिडन लाइन में सबका जो लेंथ है वो भी डिफाइंड है, ठीक है। जैसे जो डैश बनेगा वो होगा आपका करीब करीब 2 से 3 mm, 2 to 3 mm, और जो बीच में आप गैप देंगे इसमें, है ना, बीच में जो आप गैप देंगे वो होगा 1 mm का, मतलब 1 mm गैप और 2-3 mm का डैश, इस तरीके से आपको फर्केट करते हुए चलना है। बनाने का तरीका, आप स्केल रखिए और 2 से 3 mm लाइन खींचिए, फिर 1 mm का गैप दीजिए, फिर 2-3 लाइन खींचिए, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। और ये किस लिए डिनोट हो रहा है, रिप्रेजेंट करना है हमको हिडन पार्ट, जो हमें सामने से जिस व्यू का प्रोजेक्शन बना रहे हैं उस व्यू में जो हिडन पार्ट है, जो हमको नहीं दिखाई दे रहा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कभी बनाया जाता है, कभी जरूरी नहीं हमेशा बने, ठीक है। और कैसा होगा, थिन डैश्ड होगा विद इक्वल स्पेसिंग, ये इसका स्टैंडर्ड ध्यान रखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब BIS स्टैंडर्ड्स हैं, 2 से 3 mm डैश और 1 mm का गैप। एग्जामिनर कई बार इसको चेक करते हैं और कई बार अप्रॉक्सीमेटली देख लेते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी उसी हिसाब से देखिएगा कैसे बनाना है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो अलग अलग लाइंस, अलग अलग व्यूज ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है आपकी सेक्शन लाइन, ठीक है, सेक्शन लाइन। तो सेक्शन लाइन किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू शो अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बना रहे हैं उसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, कोई पार्ट है जिसको हमें स्पेशल प्रिविलेज देना है, स्पेशल तरीके से दिखाना है, या उसका हमें स्पेसिफिकेशन बताना है, मे बी विद स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब हमें बताना है कि वो किस तरह का है, मटेरियल क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे एक ये बना हुआ है, देखते हैं, ऐसे है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें एक सेंट्रल पार्ट है, सिलेंड्रिकल सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, और ये कॉलर इसमें लगे हुए हैं। तो अब जो कॉलर लगा हुआ है उसको दिखाने का जो तरीका है, कॉलर सॉलिड स्पेस का है, ये हॉलो सिलेंडर है कुछ, ठीक है। तो अब इसको दिखाने आया कि सेक्शन लाइंस हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं, कई बार आपने देखा भी होगा, बट ड्राइंग में भी ये बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिकेशन भी दिया जाता है, स्पेसिफिकेशन आप यहां भी दे सकते हैं लीजेंड लाइन यूज करके, या अलग से आप लीजेंड भी बना सकते हैं,
इस तरीके से ऐसे बना के, और यहां लिख देंगे वुडन, वुडन अगर वुडन का है या मेटालिक, जो भी आपको स्पेसिफिकेशन देना है कि भाई ये वाला जो पार्ट है इधर का जो दिख रहा है ये वुडन है या मेटालिक है, इस तरीके, तो इसको बोलते हैं हम सेक्शन लाइन। ठीक है, अब सेक्शन लाइन क्या होता है, इक्वली स्पेस्ड, ध्यान रखिएगा, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस एट नॉर्मली, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस नॉर्मली एट 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, विद हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पे ये लाइंस इंक्लाइंड होती हैं और सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो पहली लाइन बनाई दूसरी ये सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ड्राफ्टर को 45 डिग्री पर रोटेट करके और नीचे करते हैं हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाते हैं, और इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए ड्राइंग में, बस ये सारी चीज़ें बारीकियां होती हैं, स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ दो में थोड़ा वो कर दिया और तीसरे में ऐसे खाली करके यहाँ बना दिया, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा गैप पे बना दे, नहीं, सारी स्पेसिंग बराबर हो, देखने में भी अच्छा लगता है और वो स्टैंडर्ड भी है, 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ये नॉर्मली एट 45 डिग्री, मे बी समवेयर, मे बी 60 डिग्री और 30 डिग्री ऑल्सो, कहीं कहीं हम ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो BIS ने इसको प्रिस्क्राइब किया, जनरली हम 45 डिग्री यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है, 45 डिग्री यूज करने का कई कारण भी होता है क्योंकि बेसिकली ये 45 डिग्री जब ड्रॉ करेंगे तो उसको वो बाइफरकेट कर देता है दो पार्ट्स में, उससे मेजरमेंट में भी काफ़ी आसान है, तो बात की बात है, उतना डीप में नहीं रहना है, ठीक है, तो बट 60 और 30 पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट आप बेसिकली 45 पे ही कीजिएगा। दूसरी चीज़ इसमें जो एक और पॉइंट, देखिए ये सेक्शन लाइन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है, ये बता दिया हमने, यूज़ बता दिया, दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाया जाता है, मैंने बाइफर्केशन बताया था ना कि एक तो उसके यूज़ फंक्शन कंस्ट्रक्शन और उसके थिकनेस पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल, एक चीज़ और भी लिख दें इसमें, थिन, ये थिन लाइंस होती हैं, यहाँ थिक नहीं बनाना, नॉर्मली मोटा मोटी याद रखिए कि थिक लाइंस जो हैं वो आउटर आउटलाइन के लिए ही यूज़ होती हैं बस, और कहीं जल्दी नहीं आता है। एक और इसमें बात याद रखनी है कि ये जब भी थिक लाइंस बनेंगी तो, अरे सेक्शन लाइन बनेंगी तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम एज टू एज बनेगा, एज टू एज मतलब ऑब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट की ही एक एज होगी, उस एज से दूसरे एज तक बनेगी हमेशा हमेशा। अब आप कहेंगे सर यहाँ बीच में ही आ गया, तो नहीं, ये यहाँ से अगर शुरू हुई है तो हम मानेंगे कि इस एज से शुरू हुई और इस एज पे खत्म हो गई, बीच में ब्रेक हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एज टू एज ही हमेशा बनाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि कोई लाइन आपने ऐसे बनाई और दूसरे एज पे मैच ना कराएं, हैं, आपने ऐसा छोड़ दिया कि चलो पता तो चल रहा है कि हैचिंग, इसको हैचिंग भी बोलते हैं कई बार, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसका एंड दूसरे एज पे होना जरूरी है, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा कि एज टू एज ही ड्रॉ होता है सेक्शन लाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बातें BIS ने पर्टिकुलरली आपको बताई हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, और यही सारे क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन लाइन एज टू एज ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे भी कहीं हम बीच में उसको एंड कर सकते हैं किसी सरफेस पे, तो आप कहेंगे नहीं सरफेस पे वो ब्रेक हो सकती है बट एंड होगी वो हमेशा एज पे, बात समझ में आ रही है, और उसमें ये भी पूछेगा कि स्पेसिंग हम वेरी भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली वेरी भी कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल इक्वली स्पेस और हमेशा थिन लाइन बनेंगी। पूछेगा किस एंगल पर ड्रॉ करते हैं, तो 45 पे जनरली ड्रॉ करते हैं, 60 और 30 भी कर सकते हैं, क्लियर, तो इस तरह से वाइवा के क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, तो ये था आपका सेक्शन लाइन। इसी तरीके से हमें एक एक करके सारी लाइनें पढ़नी हैं, और ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जब आप देखिए ऐसे तो ये याद नहीं होने वाला, जब आप ड्राइंग्स बनाएंगे और डिफरेंट लाइंस आप यूज़ करेंगे हर ड्राइंग में, तो धीरे धीरे बनाते बनाते आपको चीज़ें याद होने लगेंगी।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है वो है चौथा, है ना। हाँ, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है? यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब कि किसी चीज में हमें स्पेशल कंस्ट्रक्शन करना है, उसका कहीं कोई तारतम्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पज से। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ा होगा मैथ्स में, छोटी क्लासेस में, कि कभी हमें कोई एंगल ड्रॉ करना है तो हमने कट लगा दिया, आर्क लगा दिया, ये सब भी कंस्ट्रक्शन लाइंस में आती हैं। दे आर थिन लाइंस। हाँ, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनाना है, अब ट्रायंगल में आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन बनाएंगे, पहले बेस लाइन बनाई आपने, ठीक है। अब अगर आपको दोनों का एंगल, दोनों का लेंथ पता है, तो आप यहां से लेके एक आर्क काटेंगे, यहां से लेके एक आर्क काटेंगे, ठीक है, उसका ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो आर्क कटा ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आएगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो आप क्या करेंगे, इस लाइन पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगा, ये लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन कही जाएगी, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन इसलिए कि अभी आपको लेंथ आपने कट नहीं की है, एक एंगल 90 डिग्री है और इधर से आपको एंगल दिया होगा 30 डिग्री मान लो, तो आप क्या करेंगे 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 30 डिग्री पे लाइन जहां जाके कट करेगी वो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तो जो एक्स्ट्रा ये पार्ट गया, तो ये सारा पहले जो लाइन बनती है वो कंस्ट्रक्शन लाइन होती, बट जब आप ओरिजिनली उसको करेंगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन तो आपने थिन लाइन से बनाई, बट ओरिजिनल जो आपका फिगर हो तो ये ट्रायंगल है ना, वो तो ये ट्रायंगल है, तो बाद में आप जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है उसको थिक कर देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल आपका ऑब्जेक्ट है तो आउटलाइन हमेशा थिक होनी चाहिए, तो आउटलाइन थिक हो जाएगी। तो पहले आपने कंस्ट्रक्शन लाइन यूज की, बाद में उसको आउटलाइन कर दिया, बट ये पार्ट तो रहा ही ना कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन लाइन टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी कंस्ट्रक्शन की जगह अगर बनाना पड़ा उसी को कहते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। कंस्ट्रक्शन आप हमेशा थिन लाइन से ही करते हैं, बात समझ में आई। देखिए थिक लाइन, आउटलाइन, उसके अलावा लगभग ज्यादातर सारी चीजें हम थिन लाइन से ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है, हैं? ये प्रोजेक्शन लाइन मतलब कोई ऑब्जेक्ट का जो आप प्रोजेक्शन बना रहे हैं, हैं, उसको प्रोजेक्ट करना। जैसे चलिए पहले लिख लें, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ और ट्रांसफर द प्रोजेक्शन फ्रॉम वन व्यू टू अदर, ठीक है ना। एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रोजेक्ट करना किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि अभी आगे हम पढ़ेंगे, मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है, ऊपर हमने फ्रंट व्यू बनाया, नीचे टॉप व्यू बनाया, और फ्रंट व्यू हमने कहा कि फ्रंट व्यू यहाँ से ये कुछ लेंथ है, और ये ड्रॉ किया, यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला, पॉइंट का प्रोजेक्शन बना रहे हैं, और ये अब ये पॉइंट तो मिल गया, ठीक, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इस पॉइंट, ये फ्रंट व्यू है, पॉइंट का फ्रंट व्यू बन गया। अब जब टॉप व्यू बनाना होता है तो हम फिर से ये नहीं करते हैं, हम सीधे क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं इसको, यही इसी पॉइंट से वर्टिकल, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ये वर्टिकल लाइन पे ही नीचे कहीं जाके हमें इसी लाइन पे कहीं क्या मिलेगा, टॉप व्यू भी मिलेगा उसी पॉइंट का,
एक पॉइंट का अगर प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो उसी पे कहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं स्केल से पूरा, हमें पता नहीं कहाँ है। अब उसके बाद हमें बताया रहेगा कि जो टॉप वेव है वो मान लो जितना भी डिस्टेंस दिया रहेगा, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे वो डिस्टेंस नाप के, और यहाँ से फिर हम ये लोकस ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू। तो ये जो बीच की लाइंस है ना, ये किसी काम की नहीं। आपका जो मेन है, जो मेन आपका फिगर है ड्राइंग, वो क्या है, ये और ये, बस खत्म। ये डायमेंशन लाइन है, बीच की लाइन किसी काम की नहीं है। इवन अगर आप यहां पे ऐसे कर दें, ऐसे, तो भी ये करेक्ट है। आपने डायमेंशन बता दी कि ये पॉइंट इस एक्सिस से कितनी दूर पे है, इधर एक्सिस से कितनी दूर पे है, बात खत्म। ये बीच की लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने अपने लिए बनाई है, अपनी सुविधा के लिए कि हम कैसे उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। हम ड्राइंग बना रहे हैं ना, तो ड्राइंग हम वहां कैसे पहुंचे, कैसे ड्रॉ करें हम, तो हमने ड्राइंग के लिए हमने, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन लाइन। तो ये जो प्रोजेक्ट किया गया ना, प्रोजेक्टर्स जो हम बोलते हैं ना, लाइट ऐसे जा रही है, प्रोजेक्टर्स जो हमने बेसिक लेक्चर में बताया था, प्रोजेक्टर्स जो प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं, प्रोजेक्टिंग लाइन, वो है ये, प्रोजेक्ट किया हमने, तो इसको प्रोजेक्शन लाइंस कहते हैं। ये हमेशा थिन लाइन से बनाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्शन लाइंस जो होती हैं, दे आर प्रोजेक्शन लाइंस, दे आर फेडेड होती हैं ये, ठीक है ना, थोड़ा सा फेंट होंगी, फेंट या फेडेड जो भी बोलिए, फेंट कंटिन्यूअस थिन लाइन। ये थिन लाइन ही होगी, पतली ही होगी, बट फेंट होगी, थोड़ी सी धुंधली सी, ठीक है, थिन ही होगी। धुंधली का मतलब हम एच जो हमने पेंसिल्स बताई थी, एच स्पेसिफिकेशन, थोड़ा हार्डर पेंसिल यूज़ कर लेंगे, 2H कर लेंगे, ठीक है, तो उससे अपने आप ये थोड़ी सी फेंट हो जाएगी, मतलब दिखे ना, क्योंकि हमने बताया ना कि ज़रूरत नहीं है इसकी। तो जो फाइनल ड्राइंग आती है, नॉर्मली तो ये नियम है कि जब आप ड्राइंग प्रोड्यूस कीजिए तो आप ये मिटा दीजिए, जो आपने बीच में प्रोजेक्शन लाइन बनाई है, फाइनल ड्राइंग जब बन जाए तो इसको रब कर दीजिए रबर से, ठीक है, दिखे ना, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अब अगर लाइन बनी हुई है तो आप नहीं बता सकते कि ये लाइन का प्रोजेक्शन बना रहे हैं आप कि पॉइंट का प्रोजेक्शन बना रहे हैं। यहां से क्लियर है कि आप प्रोजेक्शन जो बना रहे हैं वो पॉइंट का बना रहे हैं, ठीक है, तो ये मिटाया जाता है। बट अभी स्टूडेंट्स के लिए और नॉर्मल बताने के लिए और किताबों में भी आपको समझाने के लिए कि कैसे बनेगा, हर जगह आपको ये लाइन दिखाई देती है। बट अगर आप कभी इंडस्ट्री में जाके ओरिजिनल देखें, तो वैसे तो वहाँ कहीं पॉइंट का प्रोजेक्शन नहीं होता है, बट आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्शन लाइंस होती है ना, ये वहाँ नहीं रखी जाती है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। अभी यहीं देखिए, आप इसको ये देख के नहीं बता सकते कि ये लाइन का प्रोजेक्शन है या पॉइंट का प्रोजेक्शन है, बात समझ में आ रही है। लाइन का प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा और पॉइंट का प्रोजेक्शन ऐसे ही बनेगा। यहाँ क्लियर है कि हाँ भाई, ये लाइन का नहीं है, ये तो पॉइंट का प्रोजेक्शन है, तो उसको मिटा देंगे तो बन जाएगा। बट हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें अलाउड नहीं, क्योंकि हमें एग्जामिनर को दिखाना होता है कि हम कैसे बनाए हैं, ठीक है ना, तो हम नहीं मिटाएंगे, इसलिए हम इसको फेंट कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसे पेंसिल से यूज़ करें कि जो गाढ़ा ना दिखाई दे, और जो अपना पॉइंट है उसको हम डबल एक बार या HB पेंसिल से उसको हाईलाइट कर देते हैं, जिससे वो विजिबल दिखे कि हाँ, जो हमारा थिकर चीज़ है, जो थिक है, थोड़ा मोटा है, गाढ़ा इंक है, वो हमारा ड्राइंग है, और जो फेंटेड लाइन है, फेंटेड धुंधली लाइंस हैं या पतली लाइंस हैं, वो ड्राइंग का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन लाइंस, टू ड्रॉ प्रोजेक्शंस, ठीक है ना, प्रोजेक्ट करते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू में। अभी फ्रंट व्यू से हम टॉप व्यू में प्रोजेक्ट किए, ऐसे ही साइड व्यू में, तो इधर हम इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो ये भी प्रोजेक्शन लाइन हो जाती है। इसको भी प्रोजेक्ट करते हैं, फिर ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो आगे जब हम बताएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लाइन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी लाइन्स हैं। ये सब अभी आपको समझ लेना है, और ड्राइंग में जब आप बनाते रहेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी लाइंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी, वो है सेंट्रल लाइन, और इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं, और भी इसका एक नाम है, लोकस पॉइंट, लोकस लाइन, है ना, लोकस लाइन वैसे नहीं बोला जाता, बट चलिए सेंट्रल लाइन। इट इज़
यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल पार्ट और सेंटर, सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेंटर पार्ट या सेंट्रल पार्ट, सेंटर डिफाइन करने के या सेंट्रल पार्ट डिफाइन करने के। पार्ट का मतलब अगर कोई सॉलिड फिगर है तो उसकी अगर सेंट्रल लाइन करेंगे तो दो पार्ट में उसको डिवाइड करेगी, दो पार्ट इक्वली डिवाइड करेगी, तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको सेंट्रल पार्ट कहेंगे, वो बीच की लाइन है। और अगर कोई सर्कुलर है, सर्कल है, तो उसमें जो सेंट्रल लाइन आप बनाएंगे तो वो किसके लिए बनाएंगे, आप डिफाइन करेंगे कि ये उसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। और इसको जो आपको सेंट्रल लाइन जो आपकी बनाई जाती है, सेंट्रल लाइन ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लाइन जो बनाई जाती है वो अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेज, थिन अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेज। अब डैश बोल दिया तो समझ में आ गया कि बीच में गैप होगा, ठीक है ना। लॉन्ग और शॉर्ट डैशेज का अल्टरनेट, एक लंबा डैश और एक छोटा डैश बनाया जाएगा। देखिए कैसे लाइन कैसी होगी, ये फिर छोटा, फिर एक लंबा, काफ़ी ज़्यादा लंबी कर दी, फिर एक छोटी, फिर एक लंबी। अब फिर वही बात कि इनकी भी सब सारी लेंथ जो है वो बिल्कुल डिफाइन है, ठीक है ना। अब इसमें जो स्टैंडर्ड है वो है लॉन्ग इज टू शॉर्ट, जो रेशियो बताया गया है वो है 6:1 या 5:1 या 4:1, तीनों अलाउड हैं, ठीक है, तीनों ही अलाउड हैं, आपकी इच्छा आप जो भी फॉलो कर लें, 6:1, 5:1, 4:1 अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। अगर ड्राइंग बहुत बड़ी है तो आप 6:1 यूज़ करेंगे, ड्राइंग थोड़ी छोटी है तो 5:1, बहुत छोटी है तो 4:1 यूज़ करिए। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा कहाँ यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर ड्राइंग। अगर बहुत बड़ी ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, ए नॉट पे इंडस्ट्रियल ड्राइंग बन रही है, तो 6:1 सेंट्रल लाइन, ठीक है ना। और सेंट्रल लाइन यूज़ कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल है ऐसे, आपको इसका सेंट्रल डिफाइन करना है तो आप ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, है ना, एक इधर से भी आएगा, इसमें ये ध्यान देना है कि ये अल्टरनेट होना चाहिए, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, लंबी छोटी लंबी छोटी, ऐसा नहीं कि एक बार लंबा बनाया दो छोटा बना दिया फिर एक लंबा, नहीं। ये सारी चीज़ें एग्जामिनर देखते हैं इस तरीके से, किसी सरफेस को डिफाइन करना हो, कोई सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें आपने कर दिया, है ना, तो ये सेंट्रल पार्ट को डिफाइन कर रहा है कि बीच का पार्ट है, तो सेंट्रल लाइन और लोकस लाइन इसको बोलते हैं, टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल पार्ट और सेंटर, सेंटर सर्कल के केस में, स्फीयर के केस में, ठीक है। रेशियो ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रही है। और वो गैप जो बीच का जो है वो तो अच्छा, इसमें हमने एक चीज आपको नहीं बताई, लेंथ क्या रखनी है, चलिए वो तो बहरहाल सिंपल सी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, तो अगर आपने शॉर्ट को ले रही है, शॉर्ट जो है वो 2 to 5 mm ले सकते हैं, और ये वाला जो होगा, ठीक है, तो ये वाला जो आपका होगा, देखिए अब अगर आपने ये 2 ले लिया तो इसका हम नॉर्मल 5:1 वाले को लेके चलते हैं, या 6:1 भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5:1 लिया तो 5 × 2 = 10, तो ये 10 से लेके 25 तक mm होनी चाहिए, ठीक है ना। और गैप जो बीच वाला है वो तो आपका वही जो पुराना हमने बताया था 1 mm के गैप पे आपको डैशेस बनाने हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड है जो आपके सेंट्रल लाइन को डिफाइन करेगा, सेंट्रल लाइन जो बनानी है आपको, ठीक है, क्लियर। ध्यान रखिएगा 2 to 5 mm, 10 to 25 mm, 1 mm का गैप बीच में अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। और थिन ही होता है ये भी, ऐसा मत सोचिए कि सेंट्रल लाइन है तो इसको थिक बना दिया, सर ने कहा था कि बाहर वाली सब चीज़ें, बाहर नहीं भाई, ये सेंट्रल लाइन अलग चीज़ है, ठीक है। अगली जो है आपकी वो नंबर क्या आएगा, 7th, 7th नंबर पे जो आएगा आपका वो है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। इट इज़ यूज्ड
it is used to represent dimensions of object ended की जगह अच्छा वर्ड terminate लिखा जाए terminated with arrowheads on extension line, उसको dimension line कहते हैं। मतलब ये लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कितनी उसकी साइज है, कितना उसका डायमेंशन है, 20 mm है, 30 mm है, जो भी डायमेंशन है। और ये हमेशा एरो हेड पे ख़त्म होती हैं और एक्सटेंशन लाइन पे जाके ख़त्म होती हैं। एरो हेड लास्ट में लगता है, विद एरो हेड्स लास्ट में, और ख़त्म होती हैं कहाँ पे, एक्सटेंशन लाइन पे। अभी हमने बनाया था, अभी आपने देखा होगा कि एक्स वाई लाइन है, ये पॉइंट है, तो ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है, ये आपका एरो हेड लगा, दोनों साइड एरो हेड, इसको हम डायमेंशन लाइन कहते हैं, डायमेंशन लाइन, ठीक है ना। ये तो आपकी प्रोजेक्शन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है जो एरो के साथ है, और इसको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, ये भी अभी देखना ही है, ठीक है ना, डायमेंशन लाइन। तो ध्यान रखिएगा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसी डायमेंशन लाइन पे, ये बेसिक क्लास में हमने बताया भी था, डायमेंशन लाइन पे अलाइड वाला यूज करना है या दूसरा यूज करना है, तो इसमें मेजरमेंट ऐसे लिखा जाता है 20। आपको ये भी ध्यान है कि उसमें कभी भी हम mm नहीं लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड mm में ही माना जाता है, खाली नंबर ही लिख देना है, 20 या 10 जो भी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायमेंशन लाइन। ये भी डायमेंशन लाइन हमेशा थिन होगी, थिन लाइंस आर यूज्ड फॉर डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के लिए कौन सी लाइन यूज होगी, थिन, ठीक है, एरो हेड के साथ, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए डायमेंशन लाइन हो गई, तो अगला एक्सटेंशन लाइन भी देख लेते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते हैं एक्सटेंशन लाइन, है ना। तो एक्सटेंशन लाइन का आपको कंसेप्ट तो बात समझ में आई गई है, एक्सटेंशन अगर लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, हैं, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, इट इज द लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू सम सुटेबल प्लेस आउटसाइड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो हमने ड्राइंग बनाई है, ठीक है ना, उसके बाहर, जैसे मान लीजिए कि कोई ये ब्लॉक हमने बना दिया, ठीक है, और इसका डायमेंशनिंग करनी है, तो डायमेंशन लाइन, अब ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये एक पॉइंट होगा, तो यहाँ से आप एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर एक्सटेंड करेंगे इसको, और एक्सटेंड करेंगे बाहर की तरफ, आउटसाइड टू ऑब्जेक्ट, बाहर की तरफ आप उसको एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करके सूटेबल जगह पे, एक्सटेंशन आप कितना भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा दूरी आप कितनी भी रख सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया, कितनी भी दूर ले आके बनाइए, सूटेबल प्लेस, ज़्यादा दूर भी ना बनाइए, ऐसा नहीं कि पता चला उतना दूर बना दिए, यहाँ ड्राइंग यहाँ है, यहाँ बना दिए, अब वो देखता रह रहा है, ड्राइंग समझ रहा है, इतनी दूर वो डायमेंशन देखने आ रहा है, नज़र यहाँ एक बार घुमानी पड़ रही है, फिर डायमेंशन देखने के लिए उधर देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है, बट एक सफिशियंट अच्छी दूरी पे, जहाँ से अच्छा लगे देखने में, और तब वहाँ पे आपको ये डायमेंशन लाइन बनानी है। तो ये जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं ना, इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, हमने बताया भी है, ठीक है। और ये भी थिन होती है, दे आर ऑल्सो थिन, थिन कंटिन्यूअस, ठीक है ना, थिन कंटिन्यूअस, क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाइन, थिन कंटिन्यूअस,